नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक एक बेहतर समाज के निर्माता है। शिक्षक अपने मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों में जीवन मूल्यों के साथ ही उनमें धर्म निरपेक्षता, एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं, ताकि हमारी भावी पीढ़ी एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 849 शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्चुअल रूप से सम्मानित भी किया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र की तरफ सरकने से इसका असर राजस्थान के पश्चिमी व दक्षिणी हिस्से में पड़ रहा है। कम दबाव के क्षेत्र की दिशा उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी होने से गुरुवार को थार के कई इलाकों में दिन भर बादलों का मौसम रहा। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी तंत्र के प्रभाव से अगले 3-4 दिन बादलों का मौसम रहेगा। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट व रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले सप्ताह आसमान साफ होने के बाद रात फिर से ठंडी हो जाएंगी। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी को गुरुवार को चुरू बाईपास पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे एस्कॉर्ट गाड़ी में सवार एक हेड कांस्टेबल सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ड्राइवर की हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया। सादुलपुर के कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने बताया कि वे जयपुर से राजगढ़ की ओर जा रही थी। चुरू बाईपास पर रामनगर तिराहे के ओवरब्रिज के पास विपरीत दिशा से आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी के आगे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी को टक्कर मार दी। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार से जनता त्रस्त है और उसका हिसाब बराबर करने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने जोधपुर में दोनों नगर निगम जीतने का भरोसा जताया। शेखावत गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्र और राजस्थान सरकार के काम की तुलना के सवाल पर शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस चुनाव में तुलना का विषय नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, हमारी पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा के पूर्ववर्ती बोर्ड और वर्तमान बोर्ड में मेयर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है, इन सभी की और राजस्थान की वर्तमान सरकार की तुलना करनी चाहिए। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से बृहस्पतिवार को 14 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 1708 हो गई। वहीं कोविड-19 के 2,039 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,67,279 हो गई। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। 850 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द व सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से तथा मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मूंग के लिए 365, उड़द के लिए 161, मूंगफली के लिए 266 व सोयाबीन के लिए 79 खरीद केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष 500 से अधिक खरीद केंद्र खोले गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजस्व विभाग के आम लोगों के जीवन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं का कंप्यूटरीकरण एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने कहा कि भू नामांतरण, फसल रिपोर्ट, पंजीयन जैसे कामों के ऑनलाइन हो जाने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राजस्व विभाग के कार्यालयों में बार बार चक्कर लगाने के परिश्रम से छुटकारा मिलेगा। गहलोत राज्य के पहले राजस्व दिवस समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग की अपना खाता, ई फसल रिपोर्ट, कृषि ऋण रहन पोर्टल, ई पंजीयन आदि सेवाओं का ई लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर व कोटा शहर में वार्डों के परिसीमन में शर्तों का उल्लंघन किया। इन शहरों में पुनर्गठित नगर निगमों के लिए इस महीने चुनाव हो रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वार्डों का परिसीमन करते समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानकों और शर्तों सबका उल्लंघन किया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ द्वारा चिकित्सक को सफेद कोट में हत्यारे कहने पर प्रदेश के चिकित्सक वर्ग में भारी रोष है। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज शुक्रवार को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आईएमए की ऑनलाइन बैठक में राठौड़ के बयान की कड़ी निंदा की गई। चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन देकर राजेंद्र राठौड़ पर कार्यवाही की मांग की है।
आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एमएन थरेजा ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि प्रदेश भर में चिकित्सक काली पट्टी, काली टोपी, काला मास्क व पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 18 अक्टूबर को शाम 5 बजे एक साथ ट्विटर स्टॉर्म होगा, जिसमें लिखा जाएगा कि मैं सफेद कपड़ों में चिकित्सक जीवनदाता हूं, हत्यारा नहीं। श्रीगंगानगर जिला स्थापना दिवस 26 अक्टूबर को इस बार कोविड 19 की गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभा हॉल में गंगानगर स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को प्रातः 8:30 बजे शिवपुर हेड पर पूजा अर्चना, हवन व सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा तथा शिवपुर हेड पर ही वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके पश्चात प्रातः 10 बजे महाराजा गंगा सिंह चौक पर माल्यार्पण व महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित का कार्यक्रम होगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में गुरुवार को राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र पर ब्लॉक स्तर पर आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तर पर श्रीगंगानगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2ML नेतेवाला की अध्यापिका अनिता अरोड़ा ने बताया कि इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राशि का चेक सौंपा। राशि उच्च अधिकारियों के खाते से सम्मानित शिक्षकों को दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 5100 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के तत्वाधान में एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। विधिक जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को महिला पैनल अधिवक्ता रेशमी सियाग द्वारा जिला परिषद हनुमानगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार के पारित 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें किसान जागृति यात्रा और हस्ताक्षर अभियान के संयोजक मनीष धारणिया, निवर्तमान महासचिव PCC सह संयोजक अशोक कुलड़िया, प्रदेश महासचिव राजस्थान युवा कांग्रेस रामेश्वर चावरिया, अश्विनी पारिक, रामविलास चोयल, रफीक लोधी, विजेंद्र मेव, रेशम सिंह मानुका, रविन्द्र मील, रोहित स्वामी, उमेश सिंह राजावत ने संबोधित किया। हनुमानगढ़ में श्री नव दुर्गा मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों के चुनाव 18 अक्टूबर को होना तय किया गया था। गुरुवार को समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व सह सचिव के लिए मात्र 1-1 नामांकन पत्र आने के कारण निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी मंजेंद्र सिंह लेघा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर सुमित कुमार रणवा, उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र कुमार गर्ग, सचिव पद पर श्याम सुंदर झंवर, कोषाध्यक्ष पद पर प्यारेलाल बंसल, सह सचिव पद पर राजेश कुमार गर्ग को निर्विरोध घोषित कर प्रमाण पत्र दिए गए। श्रीगंगानगर में स्थित केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक पद का मोइनुद्दीन पठान ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मोइनुद्दीन पठान वर्तमान में ही राज्य सरकार द्वारा उपाधीक्षक पद से पदोन्नति पर यहां पर स्थापित किए गए हैं। इससे पूर्व पठान केंद्रीय कारागृह जयपुर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। श्रीगंगानगर में NSUI ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। NSUI कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कलाम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व जिला महासचिव पवन नंदीवाल, अश्विनी गोदारा, योगेश लुहानीवाल, अजय जियाणी सहित NSUI कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर इंदिरा वाटिका के सामने से खड़ी बाइक चोरी हो गई। जवाहर नगर पुलिस ने तिलक नगर निवासी अर्पण सोनी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। अर्पण ने पुलिस को बताया कि उसकी बाइक पार्क के बाहर खड़ी थी, कुछ देर बाद संभाली तो बाइक गायब थी। हनुमानगढ़ में गुरुवार को चक 5 KKW गांव रोड़ावाली के किसान अंकित गोदारा पुत्र साहब राम गोदारा ने स्वीकृत रास्ता जिला कलेक्टर के आदेश के पश्चात नए खुलवाने के विरोध में आमरण अनशन आरंभ किया। आमरण अनशन पर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने जगजीत सिंह जग्गी के नेतृत्व में वेद मक्कासर, मोहन लोहरा व अन्य सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को प्रांत सह मंत्री विपिन सुधार, नगर मंत्री शशांक वालिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। राजस्थान में महिलाओं व बच्चियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।